तो ये हिंज टूटने की प्रॉब्लम कभी नहीं आती इसमें। जैसे घर में ही बच्चे होते हैं, कभी हाथ लग जाता है तो ये चीज़ ब्रेक हो जाते थे अक्सर पहले। अब क्या है, ये पूरा 180 खुल जाता है, जैसे ये हिंज टूटने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है स्वयं चौबे और आप देख रहे हैं गोरखपुरिया ब्लॉगर YouTube चैनल। दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं फर्स्ट हैंड लैपटॉप शॉप पर। तो आज आप लोग को भैया जी बताए कि मतलब कि लैपटॉप में कौन कौन से ब्रांड आते हैं और लो प्राइस से हाई प्राइस का आपका क्या प्राइस पड़ जाएगा, और गेमिंग के लिए मतलब और स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। तो जैसे दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल रंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या पड़ जाएगा? मेरा नाम एरिक है और मैं यहाँ करीब 4 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारे पास आपको लैपटॉप के लगभग लगभग जितने ब्रांड्स होते हैं, चाहे आसूस हुआ, एसर हुआ, लेनो हुआ, डेल हुआ, एचपी, सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। और इनकी सारी रेंज होती है हमारे पास, जो कि स्टार्टिंग रेंज होती है 16,000-17,000 से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे पास। इनकी वारंटी 1 साल होती है। मतलब गेमिंग में मतलब कौन नहीं, गेमिंग नहीं कह सकते इसको, स्टार्टिंग रेंज जो नॉर्मल स्टूडेंट पर्पज से होता है, जिनको ऑफिशियल थोड़ा बहुत काम करना होता है, स्टूडेंट्स हो गए उन लोग के लिए। वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आप लोग जान पाएंगे मतलब कौन सा लैपटॉप मतलब बढ़िया है और मतलब आप लोग को कौन कौन सा प्रोसेसर मिलेगा। तो चलिए बताते हैं भैया, ये लेनोवो से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे पास, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूं, 4 GB रैम होती है, 1000 GB हार्ड डिस्क होती है और डुअल कोर का A6 प्रोसेसर होता है। इसमें आपको 2 GB शेयर्ड ग्राफिक्स मिलती है और इसकी हिंज जो होती है पूरी 180 होती है। 2 साइड नैरो बेजल होता है, जैसा कि आप पहले के लैपटॉप्स में देखते थे जिसकी स्क्रीन काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती थी पट्टी, यहाँ पे ये बॉर्डरलेस स्क्रीन के साथ आ गया है, पूरी मेटालिक बॉडी के साथ है। मतलब फीचर मिले इसमें क्या क्या फीचर्स हो जाएंगे? 4 GB रैम है इसमें, 1000 GB हार्ड डिस्क है, जिससे स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होगी, और 4 GB DDR4 का लेटेस्ट रैम लगा हुआ है इसमें, स्पीड से कोई समझौता नहीं। तो ये लिनोवो का है, ये 17,500 से स्टार्टिंग हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये रहा लिनोवो का। अब दिखाते हैं एचपी और एसर, मतलब कई तरह के आप लोग को मतलब लैपटॉप मिल जाएंगे आसूस। तो जैसे दिखाते हैं आप लोग को बारी बारी से एक करके, मैं दिखा देता हूँ अब आपको एचपी का। ये हमारे पास एचपी का लैपटॉप है, जैसा कि मैंने अभी लेनोवो में बताया, 4 GB रैम है, 1000 GB हार्ड डिस्क, सेम कॉन्फ़िगरेशन ये भी होगा। इसमें बढ़ क्या जाएगा, इसमें आपका विंडोज़ जो होगा, सॉफ्टवेयर जो होता है जिसपे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसपे हम वर्क करते हैं, वो कंपनी द्वारा ओरिजिनल होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए एमएस ऑफिस इसमें कंपनी का ओरिजिनल दिया हुआ है, ताकि ऑफिस से रिलेटेड कोई भी वर्क करना हुआ, एमएस हुआ, एमएस पावर पॉइंट हुआ, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, इस सब पे बच्चों को काम करने से कोई दिक्कतें ना हो। 14 इंच की साइज है इसकी, काफ़ी लाइट वेट है, जैसा कि आप हाथ में लेके खुद भी देख सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट है ये, बच्चों को कैरी उरी करने में आसान है, कलर है जी, खूबसूरत भी लग रहा है काफी। मतलब फीचर इसमें क्या है? 4 GB रैम है इसमें, हाँ, और 1000 GB हार्ड डिस्क के साथ है ये। विंडो कंपनी का ओरिजिनल है इसमें और एमएस ऑफिस भी ओरिजिनल है। मतलब जो इस समय पबजी चल रहा है लाइव स्ट्रीमिंग, पबजी के लिए आपको कम से कम खर्च करने पड़ेंगे 50 से ऊपर, 50 और 60 के बीच में आपको। जैसा कि आप डेल का लैपटॉप दिख रहे हैं हमारे पास, 15.6 इंच का ये लैपटॉप होगा, पूरी मेटालिक बॉडी के साथ, काफ़ी स्लिम लैपटॉप है ये। आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेल का काफ़ी पसंद किया जाता है लैपटॉप, खासकर हमारे यूपी इसमें तो कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। इसमें आपका 4 GB का रैम है, 1000 GB की हार्ड डिस्क है और इंटेल कोर i3 का 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। विंडो जेन्युइन है और एमएस ऑफिस भी जेन्युइन है इसमें आपको। अच्छा, तो इसका प्राइस क्या पड़ेगा? इसका प्राइस रेंज क्या जाएगा सर? ये आपका 31,500 रुपये के रेंज में आ जाएगा ये। तो ये इसमें मतलब क्या 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 इसमें कर सकते हैं वर्क? इसमें आप ऑटो कैड, नॉर्मल एडिटिंग करनी हुई, ये सब चीज़ें आप चला सकते हैं इजली। तो भैया अब बात करते हैं जिसमें पबजी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं।
पबजी लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि इस लुक ऐसा ही होता है उसका, इसी में कॉन्फ़िगरेशन और हाई हो जाती है। ब्रांड कौन सा रहेगा? ब्रांड डेल मिल जाएगा आपको। ब्रांड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, सारे ब्रांड हमारे पास जो जो लैपटॉप्स के आते हैं सारे अवेलेबल हैं। सारे में आपको गेमिंग भी मिल जाएंगे, नॉर्मल हल्के लैपटॉप सारे में चीज मिल जाएगा। बेस्ट मतलब कौन सा, कितना जीबी रैम का रहेगा वो? 8 GB रैम का। तो उसमें एक होता है गेमिंग के लिए ग्राफिक्स अलग से जो लगे होते हैं, उसमें वो अलग से लगा होगा वो, ताकि कोई दिक्कतें ना आए गेम खेलते वक्त। भैया मतलब यहाँ पर और क्या क्या मिल जाएगा लैपटॉप से रिलेटेड? कौन कौन से लैपटॉप से रिलेटेड? आपको हमारे यहाँ एंटीवायरस हुए, नॉर्मल जितने भी एसेसरीज होते हैं सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे चार्जर हुआ, कीबोर्ड माउस हुआ, हर चीज, प्रिंटर से रिलेटेड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, हर चीज अवेलेबल, प्रिंटर वगैरह सब चीजें। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इस शॉप का एड्रेस मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर जाके परचेज कीजिएगा। तब तक के लिए और देखते हैं, और भी लैपटॉप देखते हैं, बहुत से लैपटॉप हैं आप लोग को, बहुत से ब्रांड में। ये आ जाते हैं हम एसर पे, ये स्टार्टिंग रेंज का लैपटॉप है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं सबसे पहले बता दूं, 4 GB रैम है, 1000 GB हार्ड डिस्क है और विंडो कंपनी द्वारा ओरिजिनल पड़ा हुआ है। इसकी हिंज जो है पूरी 180 हो जाती है, जिससे ये हिंज टूटने की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है इसमें। जैसे घर में ही बच्चे होते हैं, कभी हाथ लग जाता है तो ये चीज़ ब्रेक हो जाते थे अक्सर पहले, अब क्या है ये पूरा 180 खुल जाता है, जैसे ये हिंज टूटने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी बॉर्डरलेस स्क्रीन है, इसकी वाईफाई वगैरह काफ़ी अच्छी है, नेट से अगर कनेक्ट करके चलाते हैं तो काफ़ी फास्टर वायरलेस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फास्टर वायरलेस की वजह से नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। ये हमारा स्टार्टिंग रेंज का लैपटॉप है 19,500 रुपये से। हाँ, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें i3 भी अवेलेबल है हम लोग के पास, इंटेल i5 भी अवेलेबल है और i7 तक हमारे पास अवेलेबल है, जो कि गेमिंग वगैरह में यूज होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया जी ने पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दिया लैपटॉप के बारे में, कितने प्राइस तक आ जाता है, कौन कौन सा मतलब कितने तक का रैम मतलब लैपटॉप आ सकता है, पबजी के लिए लाइव स्ट्रीम में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, तो भैया जरा एक बार और प्राइस बता दीजिए। जैसे कि प्राइसिंग की बात करें तो i3 की स्टार्टिंग होती है कम से कम 28,500 रुपये से, उसके ऊपर हम i5 बढ़ते हैं तो करीब 40,000 के रेंज में जाता है, और i7 वगैरह जाते हैं तो 65 से 70 के रेंज में जाता है वो। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिलीवरी का, भैया डिलीवरी का क्या प्रोसेस? डिलीवरी हमारे पास होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, स्टोर पिकअप करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है, और काफ़ी हाइजीनिक तरीके से हर चीज़ सैनिटाइज करके आपको कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, घर बैठे ही मंगा सकते। जी बिल्कुल। मतलब पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि तमाम तरह के UPI ट्रांजेक्शन आजकल हो रहे हैं, फ़ोनपे हुआ, भीम हुआ, पेटीएम हुआ, कई तरह की सुविधाएं हैं, आप यूज कर सकते हैं उन्हें। जरा एक बार इससे शॉप का एड्रेस बता दीजिए पूरा। शॉप का एड्रेस है, पहले तो मैं नाम बता दूं, स्टार कंप्यूटर्स है, जो कि शाही मार्केट सिनेमा रोड गोलघर गोरखपुर में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इस शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।